हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो आ रही है यूपी यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है वैकेंसी निकल के आई है। और वैकेंसी जो है अच्छी खासी जो है इसमें वैकेंसी निकल के आई है। 292 पोस्ट है और इसमें जो है सभी के लिए जो है पोस्ट दी गई है, चाहे आप 12th पास हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो या आपने आईटीआई कर रखा हो, यानी आपने कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, तो आपको जो है ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। और यूपी मेट्रो में जो भी बच्चे जो है मेरे से कमेंट करते थे कि सर रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मेट्रो में जो है वैकेंसी कब आएगी, तो यूपी मेट्रो में जो है वैकेंसी जो है वेरियस पदों पे जो है 292 जो है पोस्ट आ गई है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपका जो है एक एक डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, फीस क्या क्या रखी गई है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो है एज लिमिट और फीस जो है कितनी रखी गई है। बच्चा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको शिक्षा जगत की सारी न्यूज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं फिर वीडियो। फ्रेंड्स, आपको जैसा स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म 2021, ये जो वैकेंसी जो आई थी अभी जो है इसका 11 तारीख से जो है ऑनलाइन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैं आपके लिए, आपको पता है, वीडियो लेट लेके आया हूँ। वो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 3-4 दिन से जो है इनका सर्वर नहीं चल रहा था अच्छी तरह से, जो है इनकी जो है साइट नहीं चल पा रही थी। अब जो है इनको बहुत अच्छी तरह से साइट चल पा रही है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो जल्द से जल्दी भर ले, और इस वीडियो देखने के बाद जो है वो जरूर ही भर ले। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। वैकेंसी जैसे मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की, कि लास्ट डेट कब रखी गई है इसकी, कब नहीं रखी गई है। और इस एग्ज़ाम की जो है बहुत अच्छी खास बात ये भी है कि इसकी जो है एग्ज़ाम डेट जो है आपको पहले से ही बता दी गई है कि 17 अप्रैल 2021 को जो है आपका इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और 10 अप्रैल को जो है इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुए थे, 11 तारीख से, 11 मार्च 2021 से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 2/4/2021। यानी अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप पे अभी भी मौका है, आप 2 अप्रैल 2021 तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट टाइम मत भरना, स्टार्टिंग में ही भर देना है ना, अगर अभी भर दो या और एक हफ्ता बाद भर देना, लेकिन भर देना 2 तारीख से पहले पहले, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर्वर में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एग्ज़ाम डेट की जैसे मैंने बताया, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 17 अप्रैल को जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और 10 अप्रैल को यानी एक हफ्ते पहले जो है आपको उसका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की बात। अब बात करते हैं फीस की, कि सर क्या फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से 590 रुपये लिए जा रहे हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से। अब बात करते हैं एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपसे जो है 236 रुपये जो है आपको शुल्क देना होगा। आप शुल्क कैसे दे सकते हैं, पेमेंट कैसे दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलान, ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से जो है आप इसकी पेमेंट दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन पेमेंट दे देना आप, क्योंकि वो जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है एकदम सक्सेसफुल हो जाती है तुरंत। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। एज जो है आपके 21 से 28 और मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। एस सी एस टी को 5 साल का रिलैक्सेशन और ओ बी सी वाले बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस भर्ती में, ठीक है। और एज जो काउंट होगी आपकी 1/3/2021 से जो है आपकी एज जो है वो काउंट होगी, कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 साल तक होने चाहिए। अगर कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल एस सी एस टी और 3 साल ओ बी सी वाले बच्चों को। अब बात करते हैं 292 पोस्ट जैसे दे रखी है, 292 पोस्ट दे रखी है, तो इसमें कौन कौन सी और किन किन बच्चों को जो है वैकेंसी आई है, किसमें नहीं आई है, अब मैं वो बताता हूँ पोस्ट नेम। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर में जो है 6 पोस्ट देखने को मिलेगी इसमें। इसमें आपको क्या चाहिए, बीटेक,
बीई डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपको पास चाहिए और 60% मार्क्स के साथ। अगर आप एस सी एस टी में हैं तो आपका 50% भी चल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेन ऑपरेटर की। ट्रेन ऑपरेटर में जो है इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दे रखी है, 186 वैकेंसी जो है इसमें दे रखी है। इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, किसमें? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप एस सी एस टी में आते हैं तो 50% में भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस सिविल। मेंटेनेंस सिविल में क्या चाहिए? 10 पास चाहिए, आईटीआई चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए फीटर में विथ 60% मार्क्स। अगर आप एससी में आते हो, एससी कैंडिडेट हो, तो 50% में भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल, ये जो मेंटेनेंस वाली पोस्ट है ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, और ये जो ऑपरेटर वाली है वो पॉलिटेक्निक और सब, और मैनेजर वाली पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर, वो बीटेक वाले बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल में क्या क्या देखने को। मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल में जो है आपको 10 पास चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट अनिवार्य है और 60% मार्क्स के साथ। एससी कैंडिडेट में आते हो, एससी कैटेगरी में आते हो, तो आप 50% मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट मशीनिस्ट है, मेंटेनेंस में लास्ट वाला जो है, इसमें क्या क्या चाहिए? क्लास 10 पास, आईटीआई सर्टिफिकेट सेम ही चाहिए। इसमें सारा जो है, इसमें 1 2 3 4 चार पोस्ट जो है, नहीं, तीन पोस्ट जो है इसमें, लास्ट की तीन पोस्ट जो है वो ये थे, मैं बता देता हूँ। ये जो लास्ट की तीन पोस्ट हैं ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, और ये वाली जो ट्रेन ऑपरेटर वाली है 186 इसमें वैकेंसी है, ये है पॉली वाले बच्चों के लिए जिन्होंने जो है डिप्लोमा कर रखा है, और सबसे ऊपर जो है वो बीटेक वाले बच्चों के लिए है। टोटल जो है 292 पोस्ट है। पेपर भी जो है इसका बहुत ही जल्द जो इसका पेपर हो जाएगा, और इन्होंने जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं कि इनका एग्जामिनेशन सेंटर देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है। लखनऊ हो सकता है, कानपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, प्रयागराज और हो सकता है, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, ये सारे जो है इनके एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि आप लास्ट में फॉर्म भरोगे तो आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी फुल हो जाएगा, फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका मैंने जो है आपको पूरा सारा प्रोसेस बता दिया है, एक और बार मैं आपको रीड डाउन कर देता हूँ। देखिए, इसका फॉर्म जो है आप 2 अप्रैल 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी जो निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC में जो है इसकी वैकेंसी निकल के आ रही है, और इसकी जो एग्ज़ाम जो हो जाएगा 17, इसमें दे रखा है देखो, 17 अप्रैल 2021 को जो है, यानी अगले महीने ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चा आप पे। 10 तारीख को जो है इसका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले। इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS 590 रुपये फ़ीस, SC ST वाले बच्चों से 236 रुपये फ़ीस। फीस की पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म जो है भारत के किसी भी कोने से रहते हों, ऑल ओवर इंडिया से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, चाहे उत्तराखंड से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, उत्तर प्रदेश से बेशक ना हो, आप कहीं से भी हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको जो है पेपर देने जो है यूपी में ही जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताए हैं। एज की बात करें, एक बार रीड डाउन कर देता हूँ मैं, एज 21, कम से कम 21 और मैक्सिमम 28, SC ST को 5 साल, 3 साल OBC वाले बच्चों को। 292 जो इसकी पोस्ट है, 292 पोस्ट है, और ये सारी जो है मैंने आपको पोस्ट बता दी है, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगे, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये सारे जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 तारीख जो है लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट से पहले पहले जो है आप इसका फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के लिए वही करना है आपको प्रोसेस, अप्लाई नाउ पे जाना है, फिर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर आपका जो भी मांगेगा उसमें आपके डिटेल वो सारा फिल करके आप फॉर्म को कंप्लीट करके प्रिंट आउट जो है आपको संभाल के रख लेना है, और इसका एडमिट कार्ड जो है 10 तारीख से आ जाएगा। बच्चा, मैंने इसका जो है पूरा प्रोसेस बता दिया है, एक एक डाउट आपका क्लियर कर दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर जो है मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, बट मैंने जो है सारी चीज़ें जो है बताने की कोशिश करी है, आपको सारा कुछ बता दिया है, फिर भी किसी बच्चे का डाउट रह जाता है अभी भी इस भर्ती के रिगार्डिंग, और तो
मेरे को जो है कमेंट सेक्शन पे बता दें, शिक्षा न्यूज़ के द्वारा आपको जो है हमारी टीम के द्वारा जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे जो है इस वीडियो को जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को जो है बच्चा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें जो है आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम जो है इतनी मेहनत से जो है आपको जानकारी देते हैं। आप कुछ नहीं करना, आप जो है इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दोस्तों से जो है अपने फ्रेंड से ज़्यादा बच्चों पर शेयर करना है, ताकि जो है शेयर करने से यही होगा ताकि जो है उन भी बच्चों को पता चल सके। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं चल पाता कि वैकेंसी कब आ जाती है कब नहीं आती है ना, कि मतलब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि उनको पता नहीं चलता। तो पता जब ही चल पाएगा बच्चा, कि आप भी थोड़ा जो है सपोर्ट करें, है ना, आप अपने रिगार्डिंग, है ना, अपने फ्रेंड को करें, है ना, और भी अपने फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, बहुत सारे माध्यम हैं आजकल बताने के, है ना। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे बताइए, है ना, कि बच्चों को कि वैकेंसी आ रखी है यूपी मेट्रो की, वो भी भर दें। और अभी तक आपने शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।